नमस्कार, न्यूज हिंदी टीवी चैनल में आपका स्वागत है। गहना वरिष्ठा ने खुद को बताया निर्दोष, बोली मुझे फंसाया गया। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा जब गिरफ्तार हुए थे तब एक्ट्रेस गहना वरिष्ठ भी सवालों के घेरे में आई थी। गहना वरिष्ठ राज कुंद्रा संग काम कर चुकी है। गहना पर कई स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि उनकी जबरन अश्लील फिल्में बनाई गई, उन्हें ब्लैकमेल किया गया। एक अडल्ट फिल्म एक्ट्रेस द्वारा गहना वरिष्ठ पर दर्ज एफआईआर के तहत गहना वरिष्ठ प्रॉपर्टी सेल के पास अपना बयान दर्ज कराने पहुंची। जाने अपने बयान में गहना ने क्या कहा। बयान में गहना वरिष्ठ ने कहा है कि उन्हें पहले दिन से फंसाया गया है। पोर्न केस में उनके लिप्त होने के कोई सुराग नहीं मिले हैं। वो कहती है, हम बोल्ड इरोटिक कंटेंट बनाते थे जो कि पोर्न मूवी की कैटेगरी में फिट नहीं बैठती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए अभी कोई सेंसरशिप नहीं है। अगर कोई चीज़ बंद कमरे के अंदर जी जा रही है तो इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे खिलाफ़ आरोप लगाने के लिए लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया था। मैं उन सभी को एक्सपोज करूंगी। अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए मेरे पास फिल्मों की रॉ फुटेज है जो मैं दिखा सकती हूं। मैं अंत तक लड़ाई लड़ूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे राहत दी है और मैं अपना बयान दर्ज कराने आई हूं। अभी मैं राज कुंद्रा पर कमेंट नहीं करना चाहती हूं, लेकिन इतना ज़रूर कहती हूं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करते थे जिसके पूर्ण कहा जा सके। 5 महीनों के लिए मैं जेल में रही थी। मुझे पूरी तरह से फंसाया गया है। मालूम हो, पोर्न केस में राज कुंद्रा को 2 महीने से जेल में बिताने के बाद पिछले दिनों ही जमानत मिली है। राज कुंद्रा का गहना ने रिपोर्ट किया था। गहना का कहना था कि राज कुंद्रा पोर्न नहीं बनाते थे, वो इरोटिक मूवीज बनाते थे। गहना को इस केस के सिलसिले में कई बार जेल के चक्कर काटने पड़े हैं। देखना होगा कि गहना को इस मामले में क्लीन चिट मिलती है या नहीं।